हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदोलॉजी में, जहां पर हम आपको आयुर्वेद की ऑथेंटिक जानकारी आपको आयुर्वेद की ग्रंथों से देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे लवण रस या सॉल्टी टेस्ट खाने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, उस टॉपिक का रेफरेंस हमने चरक सूत्र स्थान चैप्टर 26 श्लोक 43 से लिया है। चरक ऋषि लवण रस के फायदे बताते हुए कह रहे हैं कि यह पाचन करता है, यह क्लेद कारक है, अर्थात यह शरीर में गीलापन उत्पन्न करता है, यह दीपन अर्थात अग्नि बल को बढ़ाता है, छेदन अर्थात यह काट कर निकालने वाला रस है, भेदन अर्थात जो मल शरीर में जहाँ तहाँ चिपके हुए हैं उसको यह तोड़ कर बाहर निकालता है, यह तीक्ष्ण गुण वाला होता है, यह वातनाशक होता है, यह शरीर के स्टिफनेस को नष्ट करता है, यह विबंध या कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, यह लाला स्राव को बढ़ाता है, यह कफ को पिघलाने वाला होता है, यह सारे स्रोत को शोधन करता है, अर्थात बॉडी में जितने भी माइन्यूट चैनल्स हैं उनको यह प्यूरिफाई करता है, यह बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको यह मृदु करता है, अर्थात उनको मुलायम करता है, यह आहार में रुचिकर उत्पन्न करता है। अब हम जानेंगे लवण रस के अति सेवन से क्या क्या व्याधियाँ होती हैं। जो लोग लवण रस का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनके शरीर में पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रक्त दोष की बीमारियाँ बढ़ जाती है और बार बार प्यास लगने लगती है, शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, ज़्यादा लवण रस के सेवन से मांस भी गल जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, पुंसत्व का नाश हो जाता है, अर्थात मनुष्य नपुंसकता की ओर जाने लगता है, इंद्रियों के कार्य करने में मुश्किल उत्पन्न होने लगती है, शरीर में झुर्रियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, समय से पहले बाल सफ़ेद और गिरने लगते हैं, इसके ज़्यादा सेवन से रक्तपित्त अर्थात ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने लगती है, अम्लपित्त अर्थात हाइपर एसिडिटी की रोग हो जाती है, वात रक्त अर्थात गाउट हो जाती है, विचर्चिका अर्थात इग्जिमा या शरीर में खुजली होने लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें।